भगवान भोले शंकर के आपने बहुत से मंदिर देखे होंगे, अनेकों शिवालय देखे होंगे, लेकिन यकीन मानिए आज हम आपको एक ऐसे चमत्कारिक शिवालय के दर्शन कराने जा रहे हैं जो स्वयंभू है और हर साल बढ़ते रहते हैं। तो आइए जानते हैं भूतेश्वर महादेव के बारे में। एक बार प्राचीन और सही नंदी से हो, वो जो नंदी बैल जंगल अंदर बैठे उस तरफ, वहीं से कर जानकारी हो, इसे जैसे बैल भुगरते ना वहीं से आवाज आए, तब जाने नला आदमी मन है। अब एक सही दिशा ये तरफ हरे ये जो जल हरी हरे और वो जो लिंग जो वहाँ पिछले भाग में वो जो सर पकड़ा वो जो नहीं नंदी बैल वो हरे, वो जो गुफा है ना वहाँ एक साधु रहा थी इसे। हाँ पहले वो टाइम में गंगा रिज पूरा वो रहा थी जो इधर आम के वो स्वर्गवासी हो गया, तो सिरकट्टी वाला बाबा थे वहीं ओकरे द्वारा से कार्यक्रम हो थ्री से, अभी ओकर चेला मनाते वो बाबा भी चले गए सिरकट्टी वाला ओकरे द्वारा से हो थ्री से सब कार्यक्रम ओकरे से बढ़े किसान मान्यता बढ़ते जाते अभी 70 फीट है ऊंचाई मोटाई है 220 ऊंचाई हाँ बढ़ते जाते। छबी रही से महाशिवरात्रि में गुरुमी पूर्णिमा से चालू रही थे सावन महीना भर रही से आना जाना रोज रहते प्रतिदिन रोज प्रतिदिन आना जाना। मोर नाम इच्छा राम है, हम बचपन से आ रहे हैं शिव जी की यहाँ पे आरती पूजा होती है जो भी है, और यहाँ पे हर मतलब ईयरली टू ईयरली बढ़ते जाते हैं शिवलिंग। अभी हम जब छोटे थे तो इसकी हाइट कम से कम 30 फीट थी, अभी समथिंग जो 60 फीट हो गई है। तो यहाँ पे ये सब मान्यताएं, और हम आते ही हैं यहाँ। सोमवार को यहाँ पे जनरली मेला होता है, अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं यहाँ पे, लगता है जो भी कार्यक्रम वगैरह होता है, हमको जब भी टाइम मिलता है हम यहाँ आते हैं, एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। और एक अच्छा विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है यहाँ पर,